मेरा पता लगाते हैं छल से बल से निज कौशल से बध करने मेरा आते श्री हनुमान। हनुमान इनके पास में जाओ और जाकर के इनका परचले पठवा बाली भयो मनमेला भागो तुरत तजो यशेला। यदि ये बाली के कोई भेजे हुए कोई गुप्तचर हो तो मुझे बांदरी सारा कर देना, जिससे मैं इस पर्वत को छोड़ करके किसी अन्य स्थान पर चला जाऊंगा। क्योंकि हनुमान तुम तो जानती ही हो, यदि हमें किसी का परिचय लेना हुआ करता है तो हमें अपने वास्तविक रूप में नहीं जाना चाहिए, और हमारे विचार से धरपट रूप देख कहां जाई बटनाम ब्रह्मचारी। आप ब्रह्मचारी का रूप धारण करें और इन दोनों सन्यासियों का परिचय लें और हमें शीघ्र अवगत कराएं। सूरत ने सुग्रीव जी, आपने हमें आदेश दिया कि जाकर के देखना है कि ये इस समय इस पर्वत की ओर बढ़ने वाले दोनों वीर कहीं ऐसा तो नहीं कि बाली के भेजे हुए दूत हैं। महाराज बाली से बहुत डरते हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है। जिस समय विद्या अध्ययन करने के बाद गुरु दक्षिणा के समय हमने भगवान सूर्य से कहा कि आप अपनी दक्षिणा में हमसे क्या चाहते हैं, तब उन्होंने कहा था, हे तात हनुमान, जब तक इस दुनिया में सुग्रीव है तुम्हें सुग्रीव के विशेष मंत्री होने का दायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूं। तब से लेकर आज तक हम आपकी सेवा में रत हैं। आपने कहा कि अगर ये बाली के भेजे हुए कोई दूत होंगे तो हम इस पर्वत को छोड़कर के चले जाएंगे। ये गलती महाराज आप ना करिएगा, मंत्री होने के नाते हम आपको बताना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां श्राप बस आवत नाही, बाली इस पर्वत पर श्राप के कारण नहीं आ सकता, और दुनिया का ऐसा कोई स्थान नहीं है जो बाली को आपसे बचा ले या आपको बाली से बचा ले। इसीलिए आप इस पर्वत का त्याग नहीं करेंगे। आपने एक और आदेश दिया है, धरबट रूप देखता जाई बटुनाम ब्रह्मचारी का। अगर एक ब्रह्मचारी सन्यासी के आगे झुकेगा तो ब्रह्मचारी की कोटि घट जाएगी। इसलिए मेरा विचार है कि मैं ब्राह्मण का भेष धारण करता हूं, जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी। अगर ब्राह्मण एक सन्यासी के सामने झुकेगा तो दोनों में मर्यादा बनी रहेगी, बड़े और छोटे का अंतर बना रहेगा। बस इसी मर्यादा का पालन करते हुए आप बिल्कुल चिंता ना करें, अति शीघ्र जाकर के मैं देखता हूं कि इस रास्ते से आने वाले ये दो युगल कुमार कौन है और इस पर्वत में आने का कारण क्या है। मैं सुंदर एक विप्र का रूप बनाकर के उनके सन्मुख जाऊंगा महाराज, लेकिन जब तक मैं इशारा न करूं तब तक आप कोई निर्णय नहीं लेंगे। हनुमान जिस समय तुम जाओगे तो हमारी दृष्टि केवल तुम्हारी ही ओर होगी, और जिस भांति तुम इशारे करोगे उसी तरह से मैं वो सारे कार्य करूंगा। इसलिए तुम अपनी बुद्धि के अनुसार अपना रूप धारण करो और इन सन्यासियों का परिचय लो। जैसी आज्ञा महाराज। धारे बटे रूप जी। धारे बट रूप देखते जाई विप्र रूप धर कपित गयम, विप्र रूप धर कपित गोरे
एक सांवले, सुंदर सन्यासियों का भेष। जिस समय मेरी दृष्टि आपके मुखमंडल की ओर जाती है, या शीश में शोभायमान जटा मुकुट, भुजाओं में शोभित यह धनुष, गले में तुलसी की माला, आपके स्वरूप को देखकर के मन मुग्ध हो जाता है। वन में विचरण करने वाले हे सन्यासी, वन में विचरण करने वाले हे बटोही, आप कौन हैं? आपके स्वरूप को देखकर के मन विस्मित है, निर्णय नहीं ले पा रहा है, आप कौन हैं? मैं जानना चाहता हूं। को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय बेसो बनबीरा। एक सांवले, एक गोरे स्वरूप में आप कौन हैं? एक छत्री सा भेष बनाकर के इन जंगलों में भ्रमण कर रहे हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता। जिस समय हमारी दृष्टि आपके शरीर की तरफ जाती है, मृदुल और मनोहर यह जोड़ी, ये शरीर इतना कोमल है। साहते दुसाह बने आतप बाता। इतने कोमल शरीर होने के बाद भी जंगल के इन कष्टों को सहन कर रहे हैं। एक और मेरी दृष्टि जाती है तो मन ये कहने लगता है कि तुम तीनों, कहीं आप उनमें से तो नहीं है जिन्हें नर नारायण की उपाधि दी जाती है। कि तुम तीनों देव महाकोई नर नारायण की तुम दो। आखिर आप उनमें से कौन है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप कहां से आए हैं? इन जंगलों में कैसे भ्रमण कर रहे हैं? मैं आपसे आपका पावन परिचय जानना चाहता हूं। हम दोनों एक पंथ के हैं, हम दोनों एक पंथ के हैं, बस अच्छी पट जाएगी, मैत्री होगी परस्पर में, तो रास्ता यूं ही कट जाएगी। मैं आपका पावन परिचय जानना चाहता हूं। आप हमारा परिचय जानना चाहते हैं, लेकिन हम भ्रमित हैं, आपको अपना परिचय क्या दें? हम खुद भी इस चक्कर में हैं, किस तरह बताएं कहां के हैं। हम खुद भी इस चक्कर में हैं, किस तरह बताएं कहां के हैं। जब थे तब थे लेकिन अब तो ना यहां के हैं ना वहां के हैं। जब थे तब थे लेकिन अब तो ना यहां के हैं ना वहां के हैं, फिर भला हम आपको अपना परिचय क्या दें? लेकिन ब्राह्मण देवता, आप हमारा परिचय जानने के इच्छुक हैं तो हम आपको अपना परिचय बता रहे हैं। कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मानी बनाए। हम अयोध्या नगरी के सम्राट चक्रवर्ती श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। नाम राम लक्ष्मण दो भाई संगना सुकुमारी सुहाई। हमारे साथ में मेरी भार्या सीता थी, पर इस वन में अच्छा नहीं हुआ ब्राह्मण देवता। इहा हरि निश्चर वैदेही विप्र फिरही हम खोजत तेही। इस वन में किसी निशाचर के द्वारा हमारी वैदेही का हरण हो गया, हम उसे ही खोजते फिर रहे हैं। आपने साधारण हमारा परिचय पूछा था। आपन चरित कहा मैं गाई विप्र कहा हूं निज कथा बुझाई। हमने
अपना चरित्र आपको गाकर सुनाया। हम चाहते हैं आप भी अपनी कथा हमें बुझा कर कहें। ब्राह्मण देव प्रभु पहचान पर उगह चरना सो सुख उमा जाए नहीं बरना। क्षमा करते दीनाराम। पुन धीरज धरि आस्तुत कीनी हरस हृदय निज नाथ चीनी। मुझे क्षमा कर दे रघुनंदन, जब मैंने आपको देखा था मैंने पहचान नहीं पाया, उस पहचान के नाते मैंने आपका परिचय आपसे पूछ दिया। लेकिन जो इस संसार के प्रत्येक हृदय में सहस में ही निवास करता हो उसने भी हमारा परिचय साधारण ही पूछ दिया। रघुनंदन आपकी माया इतनी प्रबल है कि मैं कुछ क्षण के लिए आपको भूल गया था, लेकिन क्या आपने भी उस माया के चलते इस अपने छोटे से सेवक हनुमान को भुला दिया? तो माया बस फिरहु भुलाना ताते प्रभु मैं नहीं पहचाना, मैंने आपको पहचान नहीं पाया। ये तो एक जीव का न्याय है जो भगवान को अपने नेत्रों से देखने का प्रयास करता है। मोर न्याऊ में पूछा साई तुम कस पूछो नर की नहीं। ये मेरा न्याय था कि मैंने आपका परिचय पूछ दिया, लेकिन आपने भी एक साधारण मनुष्य की तरह हमसे हमारा परिचय पूछा है। क्षम्यताम प्रभु क्षम्यताम। मैंने आपका वह दर्शन प्राप्त करके अपने जीवन को लाभान्वित किया है रघुनंदन, लाभान्वित किया है। अपने इस छोटे से सेवक पर पूर्ण भरोसा करें। महाराज हम कोई ब्राह्मण नहीं है, ये जो भेष है हमारा ये बनावटी भेष था, केवल आपको न पहचानने के कारण आपका पावन परिचय प्राप्त करना चाहते थे। वास्तव में महाराज हम तो वानर हैं, इस जंगल में रहने का हेतु भी प्रदर्शित करेंगे। महाराज श्री महाराज हम ब्राह्मण नहीं, श्री महाराज हम वानर हैं। ये ब्राह्मण शरीर का धोखा है, सुग्रीव यहीं पर रहता है जो हम लोगों का राजा है। लेकिन महाराज जिस समय हम आपके चरणों की वंदना कर रहे थे उस समय आपने कहा किसी निशाचर के द्वारा मातेश्वरी जानकी जी का हरण हो गया है, तो फिर हमारी भी खुली चुनौती है उस हरण करने वाले को। जस्या भाव में श्याहरी हम उसका दिया बुझा देंगे। आज्ञा तो प्रभु की ही होगी, हम पालन कर दिखला देंगे, पालन कर दिखला देंगे। तब रघुपति